हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्नैक्स रेसिपी जो है पनीर ब्रेड कटलेट। ये बहुत ही कम टाइम में घर पे बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। पनीर ब्रेड कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ ब्रेड, पनीर जिसको हमने ग्रेट कर लिए हैं, ऑयल, कटे हुए प्याज, मिर्ची, ग्रेटेड मैंगो जिंजर, चाट मसाला और नमक। सबसे पहले हम ये पनीर ले लेंगे, उसमें ये प्याज, हरी मिर्च, ये जिंजर, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम लोग का मिक्सचर रेडी है, इसे हम साइड कर लेंगे। अब दूसरे एक बाउल में ये ब्रेड को ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड लिए हैं। फिर इसमें थोड़ा सा बस पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड हम लोग का अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें ये पनीर का मिक्सचर डाल देंगे। अब ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दोनों हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेके ये मिक्सचर को कटलेट शेप में ले आएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा हाथों में लेके इसको पहले राउंड शेप में ले आएंगे। फिर इसे थोड़ा सा प्रेस करके कटलेट शेप में ले आएंगे। अब सेम तरीके से बाकी के भी मिक्सचर को इसी शेप में ले आएंगे। ये देखिए सारे कटलेट हम लोग का फ्राई करने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल लेके गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये कटलेट्स डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे 3 मिनट के लिए एक साइड फ्राई कर लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं, इसे हम पलटा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे पलटा के इसके दूसरे साइड भी फ्राई कर लेंगे। अब कुछ टाइम के बाद हम चेक करते हैं, इसे हम पलटा के देखते हैं। ये देखिए कटलेट हम लोग का फ्राई हो चुका है अच्छे से। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे
और बाकी के बचे कटलेट्स को भी सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।